हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. वेलकम टू द 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ दिस ग्रेट गैंगस्टर मुंबई फिल्म विच इज़ कॉल्ड कंपनी, विच इज़ डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा. एंड आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दो बॉलीवुड गीक्स जिनका नाम है मनीष मेहरोत्रा जी और रणधीर प्रसाद. लाइक इन लोग मेरे कभी भी कोई बॉलीवुड फिल्म डिस्कस करना तो ये दोनों कभी भी हाजिर हो जाते हैं. लाइक इनका नॉलेज बॉलीवुड में इतना है तो क्या क्या बोल ही सकते हैं. इसलिए सो विदाउट फर्दर डू, एक्चुअली मनीष जी, सो आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने ये फिल्म पहले कभी देखी थी, क्या एक्सपीरियंस रहा था? ओके, सो हाय संकेत, हाय रणधीर, एंड ग्लैड टू बी हियर. आज वी आर डिस्कसिंग कंपनी. मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि 20 इयर्स हो गए हैं, बिकॉज फिल्म इतनी फ्रेश है दिमाग में कि रीवॉच का कोई मतलब याद है सबको फिल्म, आई थिंक काफ़ी लोगों को. तो एनीवे, जब ये मूवी बन रही थी, मैं थोड़ा सा रिलीज से पहले की बात भी कर रहा हूँ, तो उससे कुछ टाइम पहले जो है शूट आउट्स रियल में अंडरवर्ल्ड के काफ़ी हाईलाइटेड हुए थे. एंड टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000 एंड दाऊद गैंग एंड ऑल दोज शूट आउट्स एंड बैंकॉक एंड ऑल, ये न्यूज़पेपर्स में इंडिया टुडे की कवर स्टोरी थी, आई रिमेम्बर. एंड इट वॉज scary, but it was very fascinating even as students for us ki yaar is pe koi film banaye, kabhi ho sakta hai aisa kya, koi itna brave ho sakta hai ki in real pe. But jab movie ka pata chala ki Ram Gopal Varma after of course his crime Shiva Satya ye sab he is planning this, to hum expectations bahut high thi. And fir uska mujhe yaad hai iska pehla look aaya and then trailer aaya Ajay Devgan and of course विवेक ओबराय का स्टार्टिंग ही था. तो ट्रेलर के से ही अगर याद हो तो ट्रेलर ही बहुत अरेस्टिंग था, उससे ही लगा था कि आरजीबी का थोड़ा सा ऐसा रहा ना कि कभी आया फिर गया फिर आया, तो वो लगा था कि इट्स हिज कंफर्ट जोन दिस फिल्म. एंड व्हेन इट रिलीज्ड आई रिमेम्बर आई वाज इन माय होम टाउन ओनली लखनऊ, वी बंच ऑफ स्कूल फ्रेंड्स वी वेंट टू वॉच इट. हम लोगों को और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वी रियली गॉट इट, मतलब वो फिल्म हमने जब देखी तो मैं बहुत अमेजिंग लगी थी. इसमें कोई मैं वर्ड मिंस नहीं कर रहा. और जितनी भी गैंगस्टर फिल्म कंपनी से पहले बनी है, जैसे मैं पता है काफ़ी कल्ट फिल्म इंडिया में बनी है, हिंदी फिल्म में रादर दीवार एंड देन परिंदा एंड सत्या शिवा, सब ने कुछ ना कुछ नया ऐड किया है. तो कंपनी भी जो स्टाइलिश फॉर्म से जैसे शूट हुई थी, इट वॉज जस्ट अमेजिंग. मुझे याद है थिएटर सिंगल स्क्रीन, मतलब इट वॉज नॉट अ मासी फिल्म एज सच कि ये है और मतलब वैसे, लेकिन उस फिल्म में समथिंग वॉज सो अरेस्टिंग इवन विद इन कि और जो एक्शन भी था एक्चुअली वो बहुत स्टाइलिश था. तो हम लोग वी वर स्पेल बाउंडेड इतना ज़्यादा कि आई रिमेंबर आई थिंक विद इन 2-3 weeks अगेन आई वेंट विद फैमिली टू वॉच इट. बहुत अच्छी लगी थी फिल्म. और उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी टाइम तक वो सैटेलाइट पर आई नहीं, फिर एक बार आना स्टार्ट हुई तो फिर उसके बाद कई बार देखा. तो नीडलेस टू से इट रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइम फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया, नॉट जस्ट इन हिंदी फिल्म्स. एंड ऑफ कोर्स आरजीवी की वन ऑफ द बेस्ट. तो मेमोरीज बहुत, हम लोग उसके बाद हमारे फ्रेंड्स स्कूल कॉलेज सब ने बहुत उसको डिस्कस, कैरेक्टर एक एक शॉट बहुत डिस्कस किया है, आज भी करते हैं. आई वोंट डिनाई कंपनी रिमेन्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये फिल्म कभी देखी थी और क्या एक्सपीरियंस रहा था? हाय संकेत, हाय मनीष. एक्चुअली जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 2002 में, मैं काफी बच्चा था, मैं 12-13 साल का था तभी. तो तभी मैं तो जब रिलीज हुई थी तभी मैं ना तो इस फिल्म में ज्यादा इंटरेस्टेड था और ना इस फिल्म को मैंने उस वक्त ज्यादा सीरियसली लिया था. तो ठीक है, लोग बोल रहे थे बहुत बेहतरीन फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, तो थोड़ा थोड़ा. और तभी केबल टीवी का टाइम था, यू नो, जब एक केबल चैनल हुआ करता था एक हमारे टीवी में, जिसमें केबल वाला थिएटर से पायरेट किया हुआ फिल्म दिखाता था, एकदम गंदी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी गंदी, ऑडियो क्वालिटी की होती थी. तो उसमें मैंने कंपनी फिल्म देख लिया था एक दो बार. और बिकॉज एक तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म है तो कैमरा एंगल्स भी उसके और टेक्निकलिटीज जो है वो भी उसके एकदम ऐसे नहीं रहते हैं कि एकदम सरल तो नहीं रहते हैं, एकदम क्लियर कट नहीं रहते हैं. उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऊपर से ये थिएटर प्रिंट, तो फिर तो मूड ऑफ तो हो गया. और वो भी मैं बच्चा था तो ऐसे ही एक बार देख के मैंने श्रग ऑफ कर दिया था, ठीक है ये देख लिया करके. एक्चुअली ये फिल्म की तरफ फैसिनेशन मेरा
डेवलप हुआ था 2009 में, जब स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज हो रही थी तब, क्योंकि वो मुंबई के अंडर बेलीज में बेस्ड थी फिल्म, तो तभी ये पूरा फैसिनेशन हुआ। अरे ऐसा नहीं है, मुंबई में इससे पहले भी बहुत क्राइम फिल्म बन चुके हैं, हम ये देखेंगे हम वो देखेंगे, वो थोड़ा फेस में हम जा रहे थे। तो तभी मैंने ये फिल्म देखा था, कंपनी प्रॉपर अच्छे प्रिंट में, और अच्छे तभी डीवीडी का टाइम था, डीवीडी लिंक में देखा, प्रॉपर डीवीडी प्रिंट में, और फिर देख के लगा यार ये कुछ बहुत जबरदस्त है, और बहुत अच्छा लगा था तभी मेरे को फिल्म। ऐसे लग रहा था कि वो राम गोपाल वर्मा सच में सत्या के बाद एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था अपने गैंगस्टर सागा में, अपने गैंगस्टर फिल्मों में। इट वॉज वन लेवल अप, इट वॉज एम्बिशियसली सत्या, जहां पे मुंबई में बेस्ड एक गैंग के बारे में था, स्मॉलर गैंग, ये एक बहुत बड़े गैंग के बारे में था। दिस वॉज अबाउट मोर एम्बिशियस पीपल, द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी वर मच मोर कॉम्प्लेक्स, यू नो, तो उसमें मतलब एम्बिशियस थे, कॉम्प्लेक्स थे, उनमें और लेयर्स था। तो डेफिनेटली राम गोपाल वर्मा एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, और तभी देखा था मैंने। और हाँ अच्छा लगा मुझे, मोहनलाल का काम बहुत अच्छा लगा, एंड उनको उनके परफॉर्मेंस, आई फील हिज परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द रीजंस टू कीप रिविजिटिंग दिस मूवी। इवन अजय देवगन इज ब्रिलियंट, एंड हिज पोर्ट्रेयल ऑफ मलिक, वन ऑफ द बेटर रिटन वर्जन्स ऑफ दाऊद इब्राहिम दैट वी हैव ऑन स्क्रीन, एंड वे इट इज डायरेक्टेड, राम गोपाल वर्मा ने खुद का एक ऑथेंटिसिटी को भी बरकरार रखा है, एंड प्लस स्कॉर्सेसी स्टाइल का एक एक्सटेंसिव गैंगस्टर फिल्म लाइक गुडफेलास के तरह ट्राई भी किया है बनाने को, विथ एक्सटेंसिव वॉइस ओवर, जिसमें पूरा बिजनेस को एकदम वॉइस ओवर मकरंद देशपांडे का एंड वॉइस ओवर इंसर्ट रहता शॉट्स जिससे वो दिखाने का ट्राई कर है। रहे थे कैसे क्या चलता है, और जिस तरह से उन्होंने वो पूरा दाऊद के एरा को इस स्टोरी के अंदर कैप्चर किया है, इवन द स्मॉलर डिटेल्स लाइक वंस व्हेन दे ऑल वेंट टू दुबई, एंड यहाँ पे डर बनाने का और उनको जरूरत पड़ गया, तो द वे दे स्टार्टेड एक्सटॉर्शन कॉल्स, एंड वो एक्सटॉर्शन कॉल्स के थ्रू वो लोग डर बनाते थे, मोर नॉइज एंड लेस शो, दैट वाज द थिंग, दैट वो उनका एक एजेंडा था, जिस तरह से उसको दिखाया, जिस तरह फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का इन्फिल्ट्रेशन दिखाया, काफी कुछ द वे दैट टाइम अंडरवर्ल्ड वर्क उसको काफी ये स्टोरी में दिखाने को अच्छी तरह से दिखाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म डेफिनेटली। और हाँ डेफिनेटली वन ऑफ राम गोपाल वर्मा बेटर मूवीज, हम सब सत्या के बारे में बात करते हैं, रंगीला के बारे में बात करते हैं, तो उसी लाइन में वी कैन टॉक अबाउट कंपनी, वन ऑफ हिज बेटर मूवीज व्हेन ही वाज अग्री मेकिंग गुड मूवीज, यस। या ग्रेट मूवीज, या मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने एक्चुअली सत्या पहले देखी थी। ऑब्वियसली वो एक लेवल आ जाता है यार कि सत्या देखी है, तो सेम राम गोपाल वर्मा की सेकंड फिल्म है वो ट्रायोलॉजी में। तभी मुझे नहीं पता था कि शिवा वो ही पार्ट, मतलब वो ट्रायोलॉजी का पार्ट है, और डी मुझे लगा, लाइक मुझे बाद में पता चला कि डी वो पार्ट है। तो मैं सोचा यार डी क्या है, चलो लाइक मैं तो देखा ही नहीं, मैं फिर जाके कंपनी ही देखा यार। और बहुत लोग ने बोला भी था कि देख देख कंपनी, क्योंकि वो दाऊद और उसके राइट हैंड मैन, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन उसके छोटा रिलेशन, राजन, छोटा राजन, छोटा एग्जैक्टली राजन, एग्जैक्टली सो उसके हाँ दोनों के ना, रिलेशन के बारे में है, लाइक वो दोनों के कैसे रिलेशन हुए करते थे। वैसे मैंने देखा, मुझे यार बहुत अच्छा लगा कि यार ये कैसे बोलते ना, कि रणधीर ने बराबर बोला था कि यार ये दाऊद का ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा आ रहा है। लाइक आई थिंक अजय देवगन ने दो बार, अमेजिंग मैं आई थिंक नहीं दो बार, सिर्फ एक ही बार, सुल्तान क्योंकि वो हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा ना कि वंस अपॉन अ टाइम इन आज मुंबई मस्तान, में, नॉट कंफ्यूजिंग विद वंस हाजी अपॉन अ टाइम मस्तान, इन मुंबई संकेत, हाजी नहीं नहीं दैट नहीं वाज नहीं दैट सो कैरेक्टर वो वाज बेस्ड ऑन हाजी मस्तान, हाजी हाजी मस्तान नहीं, वो एक्चुअली इमरान हाशमी का कैरेक्टर था उसमें, जो हाँ लाइक लाइक दाऊद व्हिच वाज का बेस्ड ऑन दाऊद, वेरी लूजली बट बेस्ड ऑन, एग्जैक्टली हो या सकता है। लेकिन यहाँ हाँ पे मुझे, मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि लाइक अपार्ट फ्रॉम अजय देवगन एंड विवेक ओबरॉय, लाइक आई वुड कॉम्प्लीमेंट मोहनलाल, क्योंकि यार लाइक ही प्लेड हिमसेल्फ, मैं तो वही बोल सकता हूँ यार, क्योंकि वो एक केरल से आया हुआ एक पुलिस कमिश्नर, और उन्होंने लाइक अभी अभी एक ड्यूटी चार्ज लिया है, जो उन्होंने इतने
अच्छे तरीके से वो रोल को प्ले किया है ना यार। मुझे लगा मैं भी ये हाल ही में मैंने रीवॉच किया था, मुझे लगा कि वो एकदम सेंटर ऑफ द लाइक सेंटर ऑफ द फिल्म में आएगा। जैसे ओ सत्या में आई यस, थिंक परेश रावल का कैरेक्टर आया था, आई थिंक बहुत बट लेट आया था। मुझे लगा कि दिस इसमें वाज भी बहुत हायर, दिस वाज मच हायर, द क्वालिटी ऑफ न्यूज़ वाज वेरी वेरी एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत लेट आएगी, लेकिन जल्दी आ गए। उनका वॉइस ओवर भी था थोड़े टाइम पे, ही वाज और लाइक अमेजिंग, एग्जैक्टली यार मतलब ही कैसे वाज उन्होंने मतलब लाइक लाइक उन्होंने इन हिंदी बोला लाइक वो एक एक्चुअली बहुत उनका जो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर पे बेस्ड है, द गाय हु कमिश्नर जो सक्सेसफुली पुलिस, डिवाइडेड बोथ दाऊद इब्राहिम एंड छोटा राजन, इंस्पेक्टर शिवानंदन, वो मिलकर मलयाली थे, लाइट, तो मिलकर लाइट उस का पर बेस्ड करके ये श्रीनिवासन कैरेक्टर को बेस किया है। राइट, एंड वही ही गॉट एज पर व्हाट द लेजेंड्स गो, ही गॉट छोटा राजन एट हिज मोस्ट वल्नरेबल टाइम, जब ही वाज रियली स्कैर्ड दाऊद वाज आफ्टर हिम, एंड राइट, उनको एक सरकारी गवाह बना के ही गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दाऊद। सो या तो उस हिसाब से कैरेक्टर को पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया, श्रीनिवासन को, द गाय हु एग्जैक्टली ब्रेक्स दिस टू। राइट। सो व्हाट यू स्टार्टेड एटलीस्ट संकेत द अजय देवगन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करना, पूरी फिल्म भी इलैबोरेट करने वाली है, बट एक्चुअली क्या है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर हम 2002 की बात करें, उससे पहले अजय देवगन स्टार तो सबको पता है, फूलों कांटे के टाइम से थे, एंड अब जब हम लोग स्कूल में थे, फिर थोड़ा जब ये जख्म एंड हम दिल दे चुके सनम आई एक्चुअली, जब कॉल तब ही स्टार्टेड गेटिंग अक्लेम एज एन एक्टर, ऑल्दो नाजायज में भी मिला था, टू बी ऑनेस्ट टू हिम, नाजायज में फर्स्ट टाइम क्रिटिक सेड कि ही कैन एक्ट ऑल्सो, नॉट जस्ट फाइटिंग, बट एक एक डिवाइड तब भी वो लेवल जो से मैं बोलता हूँ ना, वो कंपनी फिल्म थी एक्चुअली, विच एक्चुअली पुट हिम टू दैट लेवल। और जो कैरेक्टर की बात रणधीर ने बोली है, इससे पहले अगर दाऊद की बात करें या इस फिल्म में कहीं भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है कि वो क्राइम इसलिए बना एंड ऑल दिस एंड ये बना और ये हुआ था उसके संग, रिवेंज लेना था, ये इट वाज ही वाज जस्ट कोल्ड ब्लडेड मलिक। और कोल्ड ब्लडेड में भी आई एम रियली इम्प्रेस एवरी टाइम आई वॉच इट, जो मैनरिज्म्स हैं, आई डोंट नो हुम टू कॉम्प्लीमेंट मोर, या तो आरजीवी या अजय देवगन और द राइटर, इट इज ऑल ऑब्वियसली अ टीम एफर्ट, बट cannot मतलब यू डोंट सी अजय देवगन, यू वुड सी मलिक। आई थिंक इट वॉज रियली अमेजिंग एंड क्रिटिक्स यूनानिमसली, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वन द बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड फिल्म फेयर, जो कि उसका फर्स्ट विक्ट्री थी आफ्टर आई थिंक ही वेन शायद बेस्ट डेब्यू भी मिला था फूलों कांटे के लिए। तो वो एक बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस था, जिस तरह का जैसे वो स्मोक करता है या जैसे बात करता है, इवन चंदू विवेक ओबरॉय की मदर से जैसे वो बात करता है जब वो गुलाब जामुन दे दिया ना, ही डिडंट रिक्वायर अ वेरी थिएट्रिकल एक्टिंग या वह चिल्लाना या वो जो मतलब हिंदी फिल्म का हीरो है, सच एक्चुअली हीरो है भी नहीं, वो एंटी हीरो ही है, इफ यू सी इज द एंटी हीरो ऑफ द फिल्म, हीरो तो इफ यू कैन से विवेक ओबरॉय है, बट अजय देवगन की परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो बहुत अमेजिंग था उस फिल्म में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई थिंक एंड क्रिटिक्स हैड नोटिस की नहीं भाई ये स्टार अकेले नहीं है, दिस इज ही इज ओके, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था हम दिल दे के सनम और उसके बाद फिर से वही एक्शन फिल्म, जरूर एक जैसे जो मार्केट या जो फैंस थे, बट इसमें फर्स्ट टाइम था। एंड 2002 वाज अ वॉटरशेड ईयर फॉर हिम, आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, बिकॉज 2-3 महीने बाद ही लेजेंड ऑफ भगत सिंह आई थी एंड पीपल डिडंट न्यू क्या I हुआ ये, wanted to say that, और उसके 2-3 महीने बाद ही दीवानगी आई थी जो कमर्शियल प्योर में एक नेगेटिव विलन का, और ये शायद रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स होगा इफ इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ही वन बोथ द बेस्ट विलेन फॉर दीवानगी Best एज villain, वेल एज yeah. द बेस्ट एक्टर फॉर कंपनी लेजेंड भगत सिंह, बट वो जो था वो क्रिटिक्स और पैनल था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए वो नेशनल अवार्ड जीत गए उस नेशनल साल। में आता, मुझे लगता नहीं कि हाँ, तो किसी दैट भी वाज मेंस्ट्रीम, अ मेजर बिग मुझे ईयर नहीं फॉर लगता अजय देवगन। किसी भी मेनस्ट्रीम स्टार ने ऐसा कोई रिकॉर्ड किया होगा, बट ऑब्वियसली राम गोपाल वर्मा डिजर्व्स इट द वे ही शोड मलिक। एंड टू बी फेयर विवेक ओबराय की परफॉर्मेंस भी बहुत अर्नेस्ट थी, बिकॉज वो यंग थे, एक एक फायर थी जो चाहिए थी, जो छोटा राजन या चंदू व्हाट विच एवर वे यू लाइक, चंदू ही नाम था शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इफ चंदू यू या वांट हाँ, चंद्रकांत मैं तो एक है कि गैंग को मैं बनाएगा, मैं ये डॉन भाई बनेगा, क्योंकि आप जैसे बात की हमने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की, तो अगर तो
इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस देखो तो वो एक्चुअली वो फिल्म भी थोड़ी ज्यादा फिल्मी है, फिल्म बहुत अच्छी है वैसे वो भी, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड फिल्म थी, अजय देवगन दोनों में कॉमन था, तो लोगों ने जब देखी थी तो लोगों ने कहा था कंपनी में भी अजय देवगन ने किया और इसमें सुल्तान मिर्जा का रोल किया है, और डिफिकल्ट टू से कि दोनों को इतना कंट्रास्टिंग कैसे किया, आई एग्री टू दैट। लेकिन अगर इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी जो विवेक ओबरॉय की थी, बिकॉज इमरान हाशमी का कैरेक्टर भी था यंग है, उसमें वो बिल्कुल ही विलन दिखा दिया था, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि विवेक ओबरॉय ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद वट एवर हैपेंड ही कुडंट एंड इवन हिज बट आई मीन इवन शूट आउट एट लोखंडवाला हैड ट्रेसेस ऑफ कंपनी इफ यू रिमेम्बर। तो वो लाइक आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे उसमें थोड़ा एसेंस थे शूट आउट में कंपनी के? मतलब एक अंडरवर्ल्ड का कैरेक्टर जो गैंग को कंट्रोल करता है और ही वांट्स टू राइज आई मीन हायर हायर इन बोथ द मूवीज ही वाज एन एंबिशियस गैंगस्टर इन दैट लैटर ही इज द लीडर ऑफ द गैंग ही कंट्रोल्स द गैंग और दोनों में ही गैंग जो या मनीष जैसा बता रहे हैं कि शूट आउट एट लोखंड वाला भी थोड़ी बहुत फिल्मी थी, ये कंपनी बहुत ग्राउंडेड ड्रामा थी, टोन आप देखोगे बहुत ग्राउंडेड थी और वो कैरेक्टर भी जो था चंदू का इसमें ही इज एम्बिशियस एंड ही वांट्स टू राइज बट वो बहुत दिमाग से सोच के जाता है। वहां पे जो विवेक ओबरॉय का जो कैरेक्टर था जो बनाया था उसको माया डोलस, ही वाज बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ और बहुत ज्यादा फिल्मी किस्म का गुंडा था वो उसमें। ऑल्दो वो भी एक एंड कमिंग बैक टू अजय देवगन की इतनी बात कर रहे थे, सॉरी मनीषा, अजय देवगन की इतनी बात कर रहे थे तो मैं बोल रहा था इवन द वे ही टॉक्स अजय देवगन ही साउंड सो डिफरेंट इन दिस एंड उत्तेजित होता ही नहीं है उस टाइप का कैरेक्टर एंड टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर एंड गेट सो सो मेनी थिंग्स राइट एंड that is really an achievement, I think that is really something Ajay Devgan could do. Actually jo scene what you are mentioning is I'll just elaborate, a scene in the towards the finale of the film jab Antara Mali wo pistol nikal ke usko point karti ki main tumhe tab bhi he doesn't break into tumhara isko pakad ke he aur wo character graph bhi show karta hai ki kitna achhi tarah se written directed and enacted hai jo team work hum bolte hain which is required it is it comes across very well kahin bhi puri film mein लूज एंड नहीं है। इनफैक्ट पूरी फिल्म में कहीं लूज एंड नहीं किसी भी कैरेक्टर में, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं आकाश खुराना पंडित जी या जितने मतलब जो इनके राइट हैंड हैं या वो जो क्लाइमैक्स में जो सरप्राइज शूट आउट होता है कि कौन मलिक को फाइनली मारे, मतलब द वे ही इज एंड इट इज वेरी वेल ऑल एक्टर, इवन रजपाल यादव आई थिंक फर्स्ट टाइम शायद जंगल में देखा था हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरजीवी की वो भी थी, बट कंपनी से ही गॉट नोटिस, कंपनी में सॉन्ग्स भी एक दो थे ऑल्दो वो थोड़े से प्रमोशन में ज्यादा यूज हुए थे फिल्म में, लेकिन वो सॉन्ग्स भी कैची थे, ईशा कोप्पिकर और उर्मिला पे जो टाइटल सॉन्ग, एक गाना था उसमें वो जो कम से एक तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, टिल डेट मुझे आज तक समझा नहीं है वो गाना राजपाल यादव पे क्यों फिल्माया गया, व्हाई ही इज लिप सिंकिंग टू दैट सॉन्ग, उसको उसकी तो कोई ये गर्लफ्रेंड भी पता ही नहीं है फिल्म में, तो प्रमोशनल के लिए यूज हुआ था फिल्म में, तो आई डोंट रिमेंबर वाचिंग दैट सॉन्ग आइदर इन थिएटर ऑन इन सीडी, बट प्रमोशनल में एक्चुअली उस गाने का थोड़ा ट्रिविया ये है कि वो गाना को एक्चुअली फिल्म में रखना चाहते थे एज अ रोमांटिक ट्रैक बट वो बाद में जगह नहीं बन रहा था सो दे केप्ट दैट सॉन्ग आउट एंड इफ यू लुक एट द वीडियो ऑफ दैट सॉन्ग वो पूरे फिल्म से रिलेटेड नहीं, इट हैज राजपाल यादव सिट ऑन अ बोट एंड लिप सिंकिंग टू दिस होल सॉन्ग एंड उसका लॉजिक ये है कि ही इज वन ऑफ द पीपल हु survives in the end, वो कंपनी के दिन को याद करके वो ये गाना गा रहा है, ऐसा कुछ लॉजिक किसी ने लगाया था तो क्योंकि वो I think at the end वो बोला भी है ना like उसमें end credits में लिखा भी आता ना कि like वो लिखा नहीं sorry sorry वो I think मकरंद देशपांडे का voice over वो बोलता ना कि वो
हाँ वो लाइक ऐसे थोड़ा अभी भी ड्राइवर है और वो अभी भी थोड़ा एक आध पैक मार के पुराने किस्से लोगों को सुनाता रहता है, तो अब उसमें उसे ही एक्चुअली पता चलता है ये चीज एक्चुअली। और जो मकरंद देशपांडे, एक्चुअली कॉमन लिंक है सत्य में भी, मकरंद देशपांडे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो आरजीबी ने काफी यूज की, वॉइस ओवर यूज की, बट जैसे दिखाया है कि वो फिर उसके बाद कंपनी में क्रैक्स आए, फिर कंपनी कौन कंट्रोल करेगा, ये बहुत बहुत रियलिस्टिक था विद इन सिनेमैटिक लिबर्टीज के साथ हाँ साथ, इट वॉज वेरी वेल। और उस टाइम तक टू बी ऑनेस्ट पीपल हैड ऑलरेडी रेड अलॉट, एज आई सेड, इनके रिफ्ट के बारे में, और तो वो लोगों ने रिलेट किया कि हाँ यार जैसे शूट आउट सीन है कोबरा का, वो गिर रहा है बिल्डिंग से और वो शूट आउट हुआ है, गोली लगी है, ये सब हुआ था, ये सब एक्चुअल में हुआ अच्छा, था, ये दिस वाज कवर्ड बाय, दिस वाज काफी ट्रांसलेशन रिसर्च से हुआ है फिल्म में, काफी डिटेल्ड न्यूज पेपर्स के रिसर्च है। हेडलाइंस थी, ये दिस वाज अ टाइम व्हेन अंडरवर्ल्ड वाज काफी ज्यादा लाइमलाइट स्ट्रॉन्ग में था। दिया। और एक और चीज इस एक्चुअल शूट आउट से हुई थी कि पहली बार इंडियंस को पता था कि अंडरवर्ल्ड, इंडियन अंडरवर्ल्ड के रूट्स कहाँ कहाँ है, वही फिल्म में दिखाया है कि कहाँ कहाँ है, मतलब कभी किन्या है, कभी कहीं है, मतलब दे शोड कि इट्स नॉट लिमिटेड टू मुंबई एज रणधीर सेड। और दैट इज अच्छा हाउ, व्हेन आई रिमेम्बर आरजीबी इंटरव्यू, आई डोंट रिमेम्बर द मैगजीन, बट आई रिमेम्बर द इंटरव्यू वेरी वेल, ही सेड कि अगर आप देखो तो अंडरवर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ट्रिलॉजी, ऑल्दो लोग डी को भी ऐड कर देते हैं उसमें, बट जो पेरेंट ट्रिलॉजी थी, शिवा वॉज अबाउट कॉलेज पॉलिटिक्स, अबाउट एंड देन ऑफकोर्स द अंडरवर्ल्ड थिंग विद भवानी, देन सत्या वॉज अ लैडर हायर कि बॉम्बे पे कंट्रोल कौन करेगा, मुंबई का राजा कौन, एज ही सेज, एंड देन कंपनी इज, इट गोज बियॉन्ड मुंबई, इट शोज द एंटायर नेटवर्क, या तो वो एक तरह से वो ट्रिलॉजी, इट मेक्स सो मच सेंस, इट मेक्स सो मच सेंस। और आर जी बी सडनली बिकेम, सडनली तो नहीं बोलूंगा बट ग्रेजुअली बिकेम द पोस्टर बॉय फॉर पीपल हु डिडंट रिलेट टू यश राज और यश जोहर काइंड ऑफ लाइक रोमांटिक या कैंडी क्रॉस, सेंसिबिलिटी है ना, तो वो उनको, उनके लिए सबसे बड़ा आइकॉनिक, और कंपनी रिमेन्स वन ऑफ दोस, ऑब्वियसली उसके बाद वो होल्ड करना बहुत मुश्किल था, एंड ही कुडंट, टू बी फेयर ही कुडंट, बट व्हाटएवर ही डिड, यू कांट टेक अवे फ्रॉम दैट, इट वाज एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डेफिनेटली ट्रू। आरजीवी ड्यूरिंग लेट 90s एंड अर्ली 2000s व्हेन ही वाज इन हिज एलिमेंट, ही वाज मेकिंग सच गुड मूवीज, ही वाज राइट, मेकिंग सच गुड क्राइम मूवीज आरजीवी रियली। एंड आई रिमेंबर ही सेड आफ्टर कंपनी कि आई स्टिल हैव मटेरियल टू मेक लाइक एन नंबर ऑफ मोर क्राइम फिल्म्स, मेरे पास इतना मैंने रिसर्च की है कि मैं अभी भी और बना सकता हूँ, एंड उसने बनाई भी। खैर जैसे हम डी की बात हाँ की, देन डायरेक्ट सरकार शिमित अमीन ने की अब तक 56, ये सब उसमें आरजीबी का स्टैम्प या आपको दिखता है, यू यू सी दैट देन ही स्टैम्प एवरीवेयर। बट देन ही उसके लॉस्ट बाद हिज वे ही एंड ही लॉस्ट मेड हिज, सम वेरी टेरिबल मूवीज, ही बट लॉस्ट हिज रक्त टच, चरित्र से थोड़ा आई फील ही वाज अटेम्प्टिंग समथिंग, ही हैड बट ही वाज अगेन, समहाउ ट्राइंग टू गेट इनटू हिज ओल्ड डेज शूज बट नॉट बट वो ओल्ड शूज बट नॉट पूरा गेटिंग देयर। राइट। एंड मैं एक्चुअली बात, एक बार मैं थोड़ा सा लास्ट में बोल रहा हूँ एक बंदे के बारे में जिसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं, कि इसमें मैं कोई डाउट नहीं कि मैं सबसे ज्यादा जिस बंदे से इम्प्रेस बोलूँ, या इट वाज मोहनलाल, हिज परफॉर्मेंस, मतलब हम लोग उस समय तक पता चल गया था कि मोहनलाल मलयालम का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और एक्चुअली मामूटी ने एक हिंदी फिल्म की थी 90s में, नई चली थी, धरती पुत्र एक मूवी अच्छा है, हाँ एक कौन मूवी की सी? है, धरती पुत्र एक मूवी है, ऋषि कपूर ही, ऋषि कपूर का स्पेशल अपीयरेंस, तो मामूटी का फेस ज्यादा प्रोमिनेंटली नोन था नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में, फिर भी मोहनलाल का नाम पता था, बट किसी फिल्म में, क्योंकि केवल सजाए काला पानी थी जो आई थी, जो हाँ कि वो भी डब फिल्म थी, इट वाज, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज नॉट हाँ हिंदी, दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म, एंड बराबर। ये भी पता था जैसे रणधीर ने बोला कि इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ पुलिस पर्सन हु वाज फ्रॉम केरला, ही हैड, तो वो एक्सेंट जिस तरह से वो हिंदी बोला है, पहली बात तो, एंड हिज डायलॉग, सांप की दोस्ती जब तक है तब तक है, इट रियली हिट्स यू द वे ही स्पोक। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने रियल लाइफ में भी पुलिस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स से मिले हैं, तो यू नो द डिफरेंस, हाउ दे इंटरैक्ट, हाउ अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर इज नॉट दैट ड्रामेटिक कि मैं डंडा मारूंगा, मैं ये करूंगा और ये करूंगा, बट जिस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर सीनियर जो अपना मतलब यूज करता है, मोहनलाल आई थिंक ही वाज एफर्टलेस, ही वाज जस्ट एफर्टलेस, और मुझे लगता नहीं कि
अगर किसी भी जो हिंदी स्पीकिंग, अब तो खैर सब रीजनल फिल्म सब पैकेज वगैरह से अवेलेबल है, पहले नहीं होती थी, तो किसी को अगर देखना हो कि भाई क्यों इतना बड़ा लेजेंड है वो, तो आई थिंक दैट फिल्म इज इनफ. ही वॉज नॉट द हीरो बट ही मेड श्योर दैट ही वॉज समथिंग लाइक पुरानी फिल्म में संजीव कुमार होता था. ही यू कॉन्ट टेक अवे द फोकस फ्रॉम हिम. द जो सीन्स एब्सोल्युटली अजय देवगन को जब इंटरोगेट तो नहीं बोलूंगा मैं, जब जो जस्ट मीटिंग हो रही है और जब बात कर रहा है, जिस तरह से वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, बहुत कमा लेते होंगे, एंड ही सेज कि नहीं बस खर्चा पानी चल जाता है, ही सेज आई एम श्योर इससे ज्यादा चलता हुआ. वो इतना कैजुअल कन्वर्सेशन है. बोथ बोथ एक्टर्स शो देयर, बट मोहनलाल ऑफ कोर्स द वे ही कम्स टू नो कि उसके जूनियर ने मतलब चीट किया है, एंड देन हर्ष छाया एंड ऑल दैट. एंड में जब वो जाता है, विवेक ओबरॉय सर के डायलॉग्स हैं, मतलब या दैट दैट सीन इज एपिक, द वे ही काउंसल्स विवेक ही ओब्रॉय इन इनटू माय गॉड, कमिंग मतलब डाउन, एकदम उसका फ्लेयर दिखाया उसने मैं अभी भी दैट देखता हूँ फिल्म, तो मैं मानता हूँ कि उसने अगर पहली हिंदी फिल्म इतने साल बाद अग्री किया कोई फिल्म करने के लिए हिंदी में, आई एम श्योर उससे पहले भी ऑफर आए होंगे, बट इट हैड टू बी हिम. वो कंपनी का रोल या जो है, द वे, एंड संकेत यू मेंशन परेश रावल इन 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 सत्या, सत्या तो उसका ही एक्सटेंशन एक तरह से आप कह सकते हो, बट वो आता भी बाद में है कैरेक्टर, और वो एंड भी हो जाता और है जो है मारा भी जल्दी, जाते हैं बहुत जल्दी. बट ये पूरे में हिज प्रेजेंस भले ये स्क्रीन पे ना हो, बट एंड तक श्रीनिवासन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मलिक, एंड ही वॉज फैंटास्टिक. ही वॉज एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक. मतलब लिटरली मैं लाइक एक बात पूछना चाहूंगा कि लाइक उन्होंने और कोई हिंदी फिल्म की है, लाइक मुझे इतना याद है होता नहीं एक्चुअली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यस, एंड दैट बाबा यस, राम गोपाल अनफॉर्चुनेटली वर्मा की आग इन 2007, यस. वेर ही प्लेड ठाकुर का सो वर्जन ऑफ ठाकुर व्हिच वाज हॉरेंडस, द मूवी इटसेल्फ समथिंग वाज व्हिच हॉरेंडस. या सो एंड ही वाज नॉट इन, आई मीन ही डिडंट डू एनी फिल्म्स. इनफैक्ट सारे जितने साउथ के लेजेंड्स हैं, उनको एक टाइम बाद जब उतने अच्छे रोल्स नहीं मिले, तो दे थॉट कि जो वहाँ पे कम्फर्ट, मतलब बहुत अच्छे रोल्स वहाँ अपने रीजनल उसमें मिल रहे हैं, तो अननेसेसरली. बट आई थिंक लेकिन लाइक कमल हसन के साथ ऐसा नहीं है ना, क्योंकि लाइक उनको तो बहुत अच्छे बहुत रोल्स भी मिले मिल रहे थे. मिले थे, लेकिन आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड इन मिड 80s. ही लेफ्ट बॉलीवुड 86-87 में, आफ्टर ही हैड सम ग्रेट रन एक दूजे के लिए, एंड ही हैड सम रियली बिग फिल्म्स लाइक सागर, सदमा व्हिच वाज अ रीमेक, इवन कमर्शियल एक्शनर्स लाइक गिरफ्तार, ये सब काफी मूवीज लोगों को आज भी याद है. एंड म्यूजिकल लाइक सनम तेरी कसम. कमल हसन इज द मोस्ट ऑब्वियसली विजिबल फॉर ऑल ऑफ अस जो हु ग्रू अप इन दैट एरा, सबको पता है. एंड देन ही केम बैक विद चाची 420 से प्रॉपर हिंदी फिल्म. बट बाकी जैसे रजनीकांत या चिरंजीवी और नागा अर्जुन, मोहनलाल, ये सब ऐसा नहीं है. हिंदी फिल्म जब भी इन्होंने चरणजीत की ने है तो भी फिल्म किया था ना, कुछ आज का फिर गुंडा राज और समथिंग, हाँ, हिंदी फर्स्ट प्रॉपर वाज हिंदी मूवी. फर्स्ट वाज प्रतिबंध, एक्चुअली प्रतिबंध फॉर द एंड फर्स्ट देन अ चिरंजीवी. जेंटलमैन व्हिच वाज डब्ड इन हिंदी, तो डब्ड वर्जन था. नहीं, जेंटलमैन वाज रीमेक. जेंटलमैन वाज अ अच्छा, रीमेक, इट रीमेक वाज, था, फ्रॉम स्क्रैच हाँ रीमेक किया था. हाँ वो ओरिजिनल ओके, में वो शंकर की थी ओरिजिनल मूवी, आई थिंक. मुझे तमिल फिल्म जो हाँ, शंकर की ओरिजिनल, थी और हिंदी में जूही चावला थी. आई डोंट नो हु द हीरोइन यस वाज इन यस द ओरिजिनल. ओरिजिनल तो, बट मैं हिंदी में महेश भट्ट मेड दैट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जब लेजेंड, जब भी हिंदी फिल्म्स में जिन्होंने फर्स्ट फिल्म की, तो बहुत इम्पैक्टिंग फिल्म सबकी हैं. इवन रजनीकांत, अंधा हाँ कानून, एक दूजे के लिए, अब कमल हसन, नागार्जुन, शिवा, चिरंजीवी, प्रतिबंध, एंड या मोहनलाल एंड कंपनी, एंड दे हैव बीन एक्सेप्टेड इन दोज फिल्म्स बाय नॉर्थ इंडियन. या समवन पॉइंटेड आउट या राइटली, आई ओके. वाज एनीवे फॉरगेटिंग कमिंग बैक टू अर्जुन, कंपनी, अर्जुन वाज देयर एनीवे इन कमिंग बैक टू कंपनी, वी आर टॉकिंग टू मच, वी आर डाइग्रेसिंग अ लिटिल हियर. या सो थैंक यू जयदीप सहनी, द राइटर डायलॉग राइटर स्क्रीन प्ले राइटर, ही काइंड ऑफ हैज टेकन द रीम्स फ्रॉम अनुराग कश्यप इन सत्या. सत्या के राइटर अनुराग कश्यप मेन थे. सौरभ और शुक्ला हैड सौरभ शुक्ला. कंट्रीब्यूटेड टू द डायलॉग्स अ लिटिल, एंड ज्यादातर तो राइटिंग अनुराग कश्यप की थी इन सत्या. और अभी कंपनी में जयदीप सहानी हैड टेकन ओवर द होल थिंग, एंड उन्होंने काफी, ही दो ही इज नॉट फ्रॉम मुंबई एज फार एज आई नो, ही इज फ्रॉम दिल्ली, बट टू गेट द मुंबई लिंगो एंड टू गेट द टपोरी एक्सेंट, उन्होंने काफी मेहनत की थी. और देर आर अ कपल ऑफ आर्टिकल्स जिसपे उन्होंने
बोली है कि ये उन्होंने ये जो मेंटल हो गया है क्या, तंटाल मार रहा है, तुम्हारे घर में चाय कॉफी नहीं पी पूछते, एंड ऑल दोस हिंदी डायलॉग्स उन्होंने काफी ये की करी थी, काफी रिसर्च करी टू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट. या इट शोज ऑल्सो, इट शोज जो अनुराग कश्यप और सहनी के वे ऑफ राइटिंग में भी, और वो जो है यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस इन इन सत्या एंड एंड कंपनी. सो वी आर गेटिंग कमेंट्स ऑल्सो अबाउट मोहनलाल. यस ही वॉज एब्सोल्युटली. देयर इन तेज ऑल्सो. यस ही डिड तेज ऑल्सो अगेन विद अजय देवगन. बट या ही डिड हाँ, दिस. मतलब या कंपनी के बाद वो इम्पैक्ट हिंदी फिल्म में संभव कोई ऐसा आई रोल थिंक नहीं हुआ. आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों को लाइक एक पूछना चाहूंगा कि कंपनी के बाद कोई ऐसी ठोस इतनी लाइक कंपनी या सत्या जैसी कोई वेल मेड गैंगस्टर ड्रामास कोई बनी नहीं है. ऑब्वियसली लाइक हमने बॉलीवुड में ये शूट आउट डोकंड वाला आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आई थी, दोबारा तो यार इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कंपनी जैसी कोई नहीं आई थी क्या, ऐसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर तक, ओ गैंग्स ऑफ वासेपुर समहाउ कम्स इन दैट कैटेगरी. आई फील आई वुड कंसिडर, बाकी अप टिल दैट पॉइंट इट्स डिफिकल्ट टू से. एवरीवन वाज अटेम्प्टिंग एट गैंगस्टर जॉनर एंड दे वर नॉट गेटिंग वेरी सक्सेसफुल, ऐसा लग रहा था. लाइक दे वर मेकिंग, जो भी तुमने अभी फिल्में बताए वो सब बन तो रहे थे, बट कुछ ऐसे एकदम ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग तो मूवी मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, विच वाज बट तूने एक मेड इन बार आई दिस टाइम. थिंक ये बोला नहीं, था, अब तक छप्पन का नाम लिया था, लाइक वो एक वन इट्स ऑफ या द बेस्ट. बट इट इज वन या ऑफ दैट द इज बेटर बेटर दैट्स अ फिल्म्स. कॉप ड्रामा ना, आई एम नॉट, यू आस्क्ड अबाउट गैंगस्टर ड्रामा. हाँ, अच्छा उसपे कॉप पार्ट हाँ ज्यादा हाईलाइटेड है. मैं अच्छा एक्चुअली एक चीज ऐड इसी पॉइंट पे ऐड करूंगा. 2002 इफ या 2002 ओनली कंपनी राइट. तो उस ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और फिल्म आई थी जो गैंगस्टर बोलूं या आई डोंट नो उसको क्राइम कीपर बोलो या आप. कांटे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट संजय या गुप्ता कांटे अच्छा एंड वो रिजर्वर डॉग्स की रीमेक, रिजर्वर डॉग्स की थी. ऑल्दो वो बैंक रॉबरी रीमेक पे मत थी. बोलो, रिप ऑफ की, बट या इट वाज, हाँ मतलब या इट संजय वाज अ गुप्ता गैंगस्टर मूवी. या यू कैन इट वाज से दैट गैंगस्टर देवर फिल्म. इट वाज अ गुंडे थे गैंगस्टर ड्यूरिंग फिल्म. यूएस के, गुंडे और थे इंडियन हाँ गुंडे. या वो मतलब वो भी अपनी मतलब संजय गुप्ता ऑब्वियसली टेक्निकल के लिए फिनिश के लिए जाना जाता था उस समय. आतिश स्टार्टिंग आतिश ओनली. सो फिल्म का उस मामले में रीमेक रिप ऑफ होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजिकली एज एन येलो लाइट्स एंड ऑल दो शूट्स और उसके लिए काफी लोगों को पसंद भी आई थी. ऐसा नहीं नहीं, मैं मुझे मतलब भी काफी पसंद है कांटे. खुश आई एज थी. अ उस टाइम और पे बैक इन 2002 जो मैं 12-13 साल का था, मेरा साल का सबसे फेवरेट फिल्म था कांटे, ना 2002 का. एंड बाकी ना एवरीवन वर गोइंग गागा ओवर देवदास, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ना अभी भी आज भी पसंद नहीं है, बिल्कुल मैं दैट इज भंसाली नॉट माय कप उसकी. ऑफ टी एक्चुअली. तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. लेकिन मैं हाँ व्हाई आई मेंशन कांटे इज बिकॉज व्हेन द ईयर एंडेड तो उस समय हम लोग का ना बड़ा एक फेवरेट पास टाइम होता था कि जब अवार्ड्स वगैरह फिल्म फेयर आने लगते थे. जब उस टाइम की बात है जब अवार्ड्स का थोड़ा क्रेज होता था. अच्छा अब नहीं हाँ होता है. सॉरी टू से दैट अब नहीं हाँ होता है. अब इट इज द इवेंट जो आपका व्हाट एवर हैपेंस ऑन द स्टेज उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. अवार्ड्स किसी को याद भी नहीं है टिल दैट टाइम हाँ अर्ली 2001 2 3 तक. उसके बाद तो सब मल्टीपल अवार्ड्स हो गए. एनीवे उस समय तक था तो हम लोगों को ये था कि यार एक कंपनी साल के स्टार्टिंग में या मिड में आई थी. और ठीक है भगत सिंह वगैरह तो थी बट एक कांटे हैं. बट हम जब डिस्कस भी करते थे तो हम यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कांटे. आई डोंट नीड टू से एनीथिंग फर्दर क्योंकि टेक्निकल फिनिश अकेले से नहीं होता है. आई एम नॉट सेइंग कि कांटे इज अ बैड फिल्म बट यू नो व्हाट आई बट मीन. संजय गुप्ता आई थिंक उन्होंने ये बनाई थी ना अभी गए साल, मुंबई सागा उन्होंने बनाई थी. हाँ उन्होंने ही बनाई थी, संजय गुप्ता ने ही बनाई बट थी. मैं आपको बता हाँ दूं कि जितना कांटे के अलावा संजय गुप्ता को कभी भी इतना फेम में आया ही नहीं है. मतलब ठीक है वो सब डिबेट्स हैं आई नो बहुत बड़ा टॉपिक अलग है डाइग्रेस नहीं होते. बट वो जितना उस समय इसलिए मैंने पैरेलल ड्रॉ किया था कि दो क्राइम केपर्स थी जो थी. एंड द क्वेश्चन यू आस्क कि वो कंपनी के बाद कोई इतनी इंपैक्टिंग अंडरवर्ल्ड पे सेट फिल्म आई थी तो मुझे नहीं याद है. एक एक फिल्म आई है जो बहुत कल्ट फिल्म है बट उसमें अंडरवर्ल्ड भी एक पार्ट है बट उसमें वो दूसरी रीजन से ज्यादा कल्ट हुई थी. दैट इज मकबूल. एक्चुअली इट इज एन बट अंडरवर्ल्ड या दैट फिल्म वाज बट मोर ऑफ अ अंडरवर्ल्ड एग्जैक्टली मूवी एज सच नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ शेक्सपियरियन ड्रामा दैट इज व्हाई आई मकबूल. सेड. मैं इसीलिए पहले मैंने बोल दिया कि दूसरी रीजन से ज्यादा कल्ट हुई बिकॉज वो जिस तरह से अडैप्ट की थी लोग उस चीज पे थे. बट
उसके अलावा मुझे कोई मुझे नहीं याद है कोई अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म जो याद एंड भी हो, नाम ही नहीं आ रहा, तो इट शोज की मतलब कोई एंड मन प्रोडक्ट नहीं है। एंड मनीष, आपने वो अवार्ड्स का बोला था, तो आई रिमेम्बर 2002 फिल्मफेयर अवार्ड्स जो 2003 में इवेंट हुआ था, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का नॉमिनेशन आया था. एंड द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट हीटेड अप, बिकॉज कैसा था कि संजय दत्त नॉमिनेट हुए थे कांटे के लिए, जैकी भिडू नॉमिनेट हुए थे इसके लिए, देवदास के लिए, और दोनों मौजूद थे वहां पे. एंड एकदम ऐसे जिस हिसाब से दोनों बाजू बाजू में बैठे थे, आई थिंक दे वर सिटिंग बिसाइड और दे वर सिटिंग सेपरेटली, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा लग रहा था दोनों में किसी को ही मिलेगा. एंड देन उसके बाद जब वो आया बंदा और उसने नाम, विनर का नाम अनाउंस किया, उसने बोला विवेक ओब्रॉय फॉर कंपनी, एंड तब ये आके अवार्ड लेकर गया और ये स्पीच वगैरह देके गया था. तभी उन दोनों पे बहुत फोकस था, दे वर प्रिटेंडिंग कि वे आर स्माइलिंग एंड क्लैपिंग. या विवेक मेरे को याद ओब्रॉय नहीं। कैसे सपोर्टिंग रोल, क्योंकि लाइक आई थिंक उसका और अजय देवगन लाइक दोनों हेड टू हेड अरे लीड फिल्म में फेयर था। कोई अपना हिसाब से जज करता है, तो नहीं, ये वो बहुत तो बड़ी तुम छोड़ दो. ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, और ये अगर फिल्म फेयर में आप पढ़ोगे तो 60s से ये डिबेट्स हैं कि ये सपोर्टिंग एक्टर, बिकॉज 60s की कल्ट फिल्म में वक्त, उसमें राजकुमार को सपोर्टिंग रोल दिया था, एंड ही डिडंट रिसीव, ही डिडंट एक्सेप्ट इट, इफ आई हैव रेड इट करेक्टली, बिकॉज ही मतलब ही फेल्ट ही वाज इन द सपोर्टिंग एक्टर। तो इस तरह की बहुत से केसेस हैं फिल्म या फेयर में हाँ ये यार, कि सच में वो एंड इफ यू लुक सपोर्टिंग। एट इट फ्रॉम अ टेक्निकल राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा होता है कि एक बार चंदू और मलिक ये फिल्म में मिलते हैं एंड दे गैंग अप टुगेदर, एंड वो अपना बिजनेस एक्सपैंड, अपना ये माफिया बिजनेस एक्सपैंड करने लग जाते हैं. दैट टाइम दे बोथ आर व्हाट यू से प्लूरल प्रोटैगनिस्ट, दो कैरेक्टर्स मिलके एक कॉम्बिनेशन, एक कॉमन प्रोटैगनिस्ट विद गोल बन जाते हैं, और ये दिस गोज ऑन फॉर नियरली 3/4 ऑफ द मूवी. फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस आते हैं एंड देन दे गो अगेंस्ट ईच अदर, एंड तभी थोड़ा वो प्रोटैगनिस्ट आखिर कौन है वो थोड़ा एक डिबेटेबल इश्यू होता है. ऑल्दो चंदू को थोड़ा ऑन द गुड साइड दिखाया, ही इज द वन हु डजंट, हु इज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, वो जब वो मिनिस्टर पाटिल को मार रहे होते, तो ही इज अ लिटिल ऑन द गुड गुडर साइड, सो ही इज मोर ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट देन मलिक. मलिक थोड़ा इज अ आउट एंड आउट एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर, तो हीरो है ही। और या वो एक्चुअली सेरेब्रल एंड रूथलेस टाइप कैरेक्टर है, हाँ तो वो बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू से ये दिस इज द काइंड ऑफ मूवी व्हिच इज अबाउट टू एंटी हीरोज, एंड मतलब जो तो जो हाँ स्टार्टिंग एंड का सीन एक है, जो स्टार्टिंग का सीन है जब पठान गैंग के वो दोनों आते हैं, वो गाड़ी में पीछे बैठ के, द वे ही शूट्स देम स्मोकिंग एंड ही सेड, वो कहता है कि पहले कि मेरे बाद इसको छोड़ देना, तो कहता ठीक है, उसको मारने का तो उसको भी मार देता है, तो पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों, कहता है कि उसके सामने मारता तो कम से कम वो, मतलब जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट शॉट से यू नो ही इज कोल्ड, ही इज रूथलेस, ही इज द एंटी हीरो, उसमें कोई वो नहीं, बट यू कांट कॉल एंड हिम एक्चुअली इट्स देम। वेरी डिफिकल्ट टू से मूवी में लीड एक्टर कौन है, सपोर्टिंग एक्टर कौन है, ये सब गणित या अवार्ड्स वाले लेके बैठ जाते. इफ यू जस्ट लीव ऑल दैट असाइड एंड जस्ट वॉच मूवीज फॉर व्हाट दे आर, तो इट शुडंट, ये बहुत राइट, मुश्किल हो जाता है डिसाइड करने को कौन किया. यू शुड लीव ऑल दिस असाइड इट वाज अ टीम एफर्ट एंड इट शोड ऑन स्क्रीन, या दे केम टुगेदर अगेन इन युवा आल्सो, बोथ ऑफ देम एक्चुअली, या एंड देन लेटर इन ओमकारा आल्सो, इफ यू या रिमेम्बर, या 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 आई वाज गोइंग टू से दे दैट. केम, या जब ओमकारा हमने देखी थी तो हमें, मुझे वापस पता नहीं क्यों वो स्क्रीन पे 2 सेकंड के लिए मलिक और चंदू ही देख रहे थे लेकिन तब तक विवेक ओबरॉय का क्रेज बहुत कम हो चुका था एक्चुअली, तो एंड हाँ समहाउ ही कुडंट कम बैक, टू बी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट, ही कुडंट एंड एक्चुअली ओमकारा रिपीट। में तो काफी कुछ सेफ लेके चला गया, तो ये दोनों तो दिखे नहीं, प्रॉब्लम वो भी हो गया थोड़ा सा ओमकारा का. चलो खैर, वो बाद में डिस्कस, वो अलग डिस्कस करें कभी, ओमकारा का अलग ही बहुत बड़ा या वो भी उसका एक तो बहुत प्लांट डिटेल डेप्थ में अलग डिस्कशन हो है। सकता है. एंड एनीवे, कमिंग बैक टू बट कंपनी. यस, कमिंग बैक टू कंपनी, तो यूएसपी एक्चुअली एक और चीज थी इसमें, जो इसमें ये दिखाया था कि हम इसको कॉर्पोरेट की तरह रन करेंगे, जो माइंडसेट उस समय रियल में अंडरवर्ल्ड में हो गया था, वो मुझे नहीं याद है कि किसी मूवी में भी दिखाया था, बिकॉज बट आप दोनों को ऐसा लगा कि लाइक कंपेयर्ड टू सत्या, लाइक सत्या में कैसे लाइक वो जो दो मेन लीड्स थे
उन लोग फ्रंट लाइन्स पे थे, लाइक उन लोग खुद वहां पे जाते थे, मारामारी करते थे, उन लोग खुद वहां पे लाइक गन्स उठा के लोग को मारते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे लाइक एक स्टेप पीछे था कि लाइक वो जो मतलब जो फोन पे सब करते थे, फोन दूर से करते थे, दूर से सब करते थे, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वाज दैट वाज द थिंग दे वर ट्राइंग टू कैच इन द स्टोरी, दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग. डी कंपनी पूरी तरह दुबई लोकेट हो चुकी थी और वहां से सैटेलाइट के थ्रू लाइक दे वर रनिंग द होल मुंबई अंडरवर्ल्ड. So I think Ram Gopal Verma wanted to capture that essence in the story strongly. Bilkul. So that's and why. And Satya was based on the Arun Gowli gang, and wo gang mein nobody had fled. They were all here and they used to do their work here itself. So yeah, वहाँ पे जिस हिसाब से उसमें एक मकरंद देशपांडे के lawyer character को दिखाया as part of the gang and he's also an advocate wo, and जिस हिसाब से account जिस तरह से accountant उनके गैंग में काम करते रहते हैं, जिस तरह से सत्या में दिखाई थी, that was very much inspired by the Arun Gowli gang, and they were operating from Mumbai, so that's why. Right. Yeah. It makes sense. That is why जो राम गोपाल वर्मा ने ट्रिलॉजी की बात की कि कंपनी आते आते वो कॉर्पोरेट हो गया और वो हायर लेवल से मॉनिटर करने लगे. Yeah. इसीलिए वो कहता है अजय देवगन से स्टार्टिंग में जब सीन ब्रेक हो रहा है कि अगर तुम्हें बड़ा वो करना है तो ये सब छोड़ दो, ये जो लड़ाई झगड़े के छोटे मोटे का वो का, that is how it's a sign of growth if you look at it that way. You forget petty fights and shooting yourself and you come in and control. That is what exactly. और बहुत अच्छे तरह that is वो जो that वही मैं बोल रहा हूँ जो corporatization दिखाया था जो कि हो रहा था actually. Even जो film star को डराते हैं और shoot out करते हैं वो सब बहुत real है इसमें, कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा pigmentation of imagination है बहुत exactly. Like I think ये सत्या में भी वही दिखाया था कि ये क्या बोलते हैं अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसमें भी. एब्सोल्युटली. एंड द वे दे टुक अ शॉट एट के जो करण जौहर, नीरज वोरा वाज टोटली मिमिकिंग करण जौहर इन दैट शॉट. अच्छा. इट्स ऑल अबाउट लविंग हर लवली. दोनों का कुछ प्रॉब्लम है हमेशा से आरजीबी और केजो का, वो बहुत एविडेंट लगा था सबको उस शॉट में जब वो और शॉट था और वो शूट आउट. बट अरे बाप रे. हाँ, ये सब चीजें ऐसी नहीं कि ये सब चीजें ऐसी नहीं कि हम पहली बार या सब चीजें उस समय बहुत डिस्कस हुई थी. ये बेसिकली सत्या में कैसा था कि वो जो एक बड़े प्रोड्यूसर का वो किलिंग होता है, लाइक वो काइंड ऑफ गुलशन कुमार का रियल था, वो भी कहते हैं गुलशन कुमार. इसमें भी राम गोपाल वर्मा में लाइक उसने एक लाइक रियल लाइफ पर्सन का इमिटेशन लाइक इसमें किया है, लाइक वो ये जान के मुझे बहुत हैरानी हुई, शॉक भी लगा यार कि कैसे उसने पोर्ट्रे भी किया यहाँ पे. और अगर इफ आई एम रॉन्ग आई थिंक इसके बाद अजय देवगन ने राम गोपाल वर्मा की केवल भूत फिल्म सक्सेसफुल हुई थी, कोई भी और उनका वेंचर इनफैक्ट आरजीवी की आग के बाद उन्होंने कोई फिल्म की भी है कि नहीं मुझे याद नहीं है. सरकार की थी आई थिंक. सरकार ही वांटेड टू डू डी विद अजय देवगन राम गोपाल वर्मा, बट अजय देवगन वाज नॉट इंटरेस्टेड, सो ही स्टिल मेड इट विद रणदीप हुड्डा. इट वाज सपोज्ड टू बी अ प्रीक्वल टू कंपनी डी, वाज सपोज्ड टू बी एंड दैट कैरेक्टर वाज सपोज्ड टू बी अ वो मलिक को कोई रखना चाहते थे, बट देन अजय देवगन सेड नो, तो और रणदीप हुड्डा को ला दिया, तो देन उस कैरेक्टर को ही पूरा चेंज करके देशु बना दिया उसमें. इट वाजंट बैड मतलब, बट वो बात नहीं थी, मतलब अगर इफ यू आस्क मी, हां वो बात नहीं थी, नहीं बुरा नहीं था, इट वाज जस्ट अबाउट वॉचेबल था डी, बट नॉट दैट ग्रेट, नॉट एज ग्रेट एज दीस मूवीज. या इवन सरकार वाजंट मच passing to company. Yeah, सरकार भी सरकार भी अच्छी थी, but yeah, not on par with these movies. कंपनी का जो एंड में the way Malik dies, it's really shock. You never expect कि क्या होने वाला है. Yeah, and the best thing Manish, the best thing is कि ये फिल्म के एंड में क्या होता है कि चंदू और मलिक के बीच में सुलह हो जाती है, you know. वो जेल में वो श्रीनिवासन के फोन से वो लोग आपस में बात करते हैं और सुलह हो जाती है, पीस हो जाता है, एंड ऐसे लगता नहीं अभी, लगता है बस ये अपने रास्ते जाएगा, वो अपने रास्ते जाएगा. और ऐसे करके अभी मलिक अपने गाड़ी में आ रहा रहता है, तभी वो ये विजय राज का सरदार कैरेक्टर कारवा आके ही कम्स एंड आउट ऑफ नोवेयर एंड शूट्स. ही इज नॉट अवेयर दैट अभी सुलह हो गया दोनों किसी को याद नहीं है उस समय.
कैरेक्टर ये कहाँ चेक गया ऑफ एकदम गन सही। जैसा यूज किया होगा शायद से, लाइक उन्होंने रामगोपाल वर्मा ने, क्योंकि पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया था वो जब भी बेड पे था विवेक ओबरॉय, उसने बोला था कि मुझे इसका बदला लेना है, इसको मारना है, और विजय राज ने सुन लिया था। तो यही चीज का इम्पैक्ट लास्ट सीन में, लाइक जब भी उन्होंने किया, जब भी मारा, वो इम्पैक्ट यहाँ पे लाया था। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज लगी थी इसमें। नहीं, बहुत बहुत अमेजिंग था। आई मीन दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट वाज अ कंप्लीट पैकेज, उसमें कहीं भी कोई लूज एंड नहीं था। और वो चीज की गंदा है तो वाटर टाइप का धंधा राइटिंग है, एकदम। बिल्कुल। सॉन्ग भी गंदा है तो धंधा है। जब वो प्लान कर रहे होते हैं कि उसको एक्सीडेंट करेंगे या क्या करेंगे, उसको कैसे मिनिस्टर को मारेंगे, वो कहता है कि उसको मरना है बट मारना नहीं है, और वो भरत बैकग्राउंड में सोचते दाबोलकर हैं। बहुत क्या, इतना कूल और इतना स्टाइलिशली दिखाया, येट इट क्रिएट्स, मतलब हाँ ऐसा कोई, इफ यू सी, इफ यू कंपेयर विद अदर वायलेंट फिल्म्स व्हिच अंडरवर्ल्ड में सेट हैं, लाइक परिंदा या वास्तव या वो, ऐसी बहुत ज्यादा वायलेंस ऐसा कंपनी में नहीं है। कंपनी में इवन सत्या के या नहीं है, उतनी नहीं मुकाबले, है, बट उतनी नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ स्टाइल, बुलेट्स आर देयर बट द इम्पैक्ट इज नॉट लेस। दैट इज एक्चुअली इन द वे इट या इट्स द वाज वे द सपोज्ड टू होल बी। थिंग इज पैकेज, जिस तरह से उसे पैकेज किया, जिस तरह से उसे ओवरऑल राइट किया, एंड एवरीथिंग हैज बीन इंसर्टेड इनटू दैट वर्ल्ड, वो बहुत एकदम इम्पैक्ट उसका ज्यादा आता है। यस, नो देन डाउट, नो बट डाउट, या नो डाउट। फाइनली, बट डॉक्टर एंड मनीष, थैंक यू सो मच। लाइक आई हैव टू सैडली एंड दिस कॉन्वर्सेशन। आई नो लाइक सब वो फीलिंग्स ओवर ओवर के बाहर आती है कि जब भी इससे पुरानी अच्छी वेल मेड कोई फिल्म बनती है तो उसपे तो बोलना बनता ही है। लेकिन सैडली आई हैव टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, बट थैंक यू सो मच रणधीर, एंड लाइक थैंक यू सो मच मनीष जी इस थैंक्स अ पॉडकास्ट पे लॉट, आने के लिए, लाइक इस थैंक सेलिब्रेशन पे यू, आने माय के लिए। प्लेजर। या लाइक थैंक्स, एंड आई होप होप सो कि ऐसी भी फिल्म फिर से बनना स्टार्ट हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई होप कि कंपनी ऐसी फिल्म, आई होप टू नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट एकदम यस, उसके अंदर कुछ हो, कुछ मटेरियल हो, कुछ जबरदस्त, एंड देखकर भी एग्जैक्टली, इतना मजा आए हम इतने साल बाद उसके बारे में बात कर सके, इतने बिल्कुल बिल्कुल। मजे से। आई कांट बिलीव कि 20 साल हो गए हैं, सीरियसली, सच में एग्जैक्टली, ग्रेट है। गुड, बढ़िया, थैंक्स संकेत, थैंक्स। एब्सोल्युटली, या थैंक यू डॉक्टर, एंड लाइक देखते हैं कोई और सेलिब्रेशन में कोई मिलते हैं। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड। श्योर, थैंक थैंक यू यू, सो मच, एंड थैंक्स गुड थैंक्स, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। श्योर।